तो जामताड़ा में पुलिस को एक बार फिर साइबर अपराधियों के खिलाफ सफलता मिली है। करबाटांड थाना क्षेत्र के मटांड गांव से शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड समेत कई तरह के दस्तावेज मिले हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद उसे जेल भेज दिया है। तो बड़ी और अहम खबर जामताड़ा से, लंबे समय बाद एक बार फिर से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में जो जामताड़ा के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो दूसरे जिलों में शिफ्ट हुए हैं और देवघर से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही थी, लेकिन बहुत दिन बाद जामताड़ा में भी एक बड़ी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। तो तमाम तरह से जो पाबंदियां या बंदिशें लगाई गई पुलिस की ओर से, जो शिकंजा कसा जा रहा है, उसके बाद से यहां के साइबर अपराधी हैं वो दूसरे जिलों में पनाह लेते नजर आ रहे इन दिनों, और इसी कड़ी में कई जगहों से गिरफ्तारियां हो रही थी, लेकिन इसी बीच जामताड़ा से एक बार फिर खबर, यहां से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। बात कांग्रेस के किसान रैली की, ट्रैक्टर रैली की। नए कृषि कानून के खिलाफ हजारीबाग के गांधी मैदान में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। रैली स्थल पर ट्रैक्टर के साथ हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव समेत पार्टी के तमाम नेता रैली में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र पर जमकर निशाना साधा और किसी भी हालत में इस काले अध्यादेश को, इस काले कानून को वापस लेने की मांग की और कहा कि कांग्रेस तब तक इन प्रदर्शनों से, इस विरोध और इस आंदोलन से नहीं हटेगी जब तक कि केंद्र सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है। और कांग्रेस की ओर से जो लगातार जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं तमाम तरीके के दबाव बनाने को लेकर, तो वो कार्यक्रम पूर्ववत जारी रहेंगे। लगातार जनता के बीच में, किसानों के बीच में कांग्रेस का यह अभियान चलते रहेगा, चाहे साक्षर अभियान हो, पदयात्राएं हो, रेल रेको अभियान हो, रोड चक्का जाम हो, ट्रैक्टर रैली हो, लोगों से समर्थन मांगना हो। और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार वापस नहीं लेती इन कानूनों को, तब तक उसका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो बता दें कि कांग्रेस झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह भी इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम, विधायक दल के नेता, उसके साथ साथ तमाम कांग्रेस के विधायक यहां पर शामिल हुए हैं, पदाधिकारी कई शामिल हुए पार्टी के। तो केंद्र सरकार की ओर से लागू इस कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, और इसी कड़ी में और किसानों के समर्थन में झारखंड कांग्रेस पार्टी ने हजारीबाग में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, और इसी कड़ी में कई जगहों पर ये नेता पहुंचे हैं, ट्रैक्टर की सवारी उन्होंने की है। दिखा रहे आपको तस्वीरें कि किस तरीके से ये ट्रैक्टर रैली मांडू में की गई है, और ये तमाम ट्रैक्टर रैलियां सीधे हजारीबाग पहुंची, हजारीबाग में ट्रैक्टर रैली की गई है, और हजारों की संख्या में ट्रैक्टर के साथ कांग्रेसी नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। हम किसी के असर
बात बनी, हम किसानों के आंसू पोंछना चाहते हैं। रीढ़ की हड्डी इस देश का किसान है। जब किसान पीड़ित रहेगा तो कांग्रेस पार्टी का फर्ज है, क्योंकि किसान न्यू है इस देश का, उसके समर्थन में। और आज आप देख रहे हैं कि हजारों ट्रैक्टर यहां से निकल रहे हैं और हम समर्थन में। अगर ये मुद्दा नहीं होता तो क्या इस तरह की इतनी संख्या में लोग जुटते? इतने ट्रैक्टर 590 किलोमीटर से लेके रैली स्थल पे पहुंच रहे हैं। ये अपने आप में संकेत है, सरकार ने अपने आँख और कान बंद कर दिए हैं। अभी भी वक्त है किसानों की आवाज सुने। हम किसी के असर पर नहीं, हम किसानों की।